कैसे हो आप लोग? आज के जो टॉपिक है आई थिंक बहुत यूजफुल है वो आपके लिए है, क्योंकि क्या है कि अब आप लोग कॉलेज में कॉल लगा रहे हो और कॉलेज वाले जो आपको रिस्पांस दे रहे हैं उस रिस्पांस का मतलब क्या है। कॉलेज वाले का ये कहना होता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सीटें ख़त्म हो रही है। तो क्या ये सही में सीटें ख़त्म हो रही है, क्या सही में रजिस्ट्रेशन हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो कहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जब डीटी की डेट अभी तक आया नहीं। तो हम लोग क्या है कि आज इसके ऊपर डिटेल्स करने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, शायद हो सकता है पूरा देखे तो आप कहीं बच जाओ, क्योंकि कॉलेज का ये भ्रम जाल है जो कि फैलाया जा रहा है, जो कि सभी कॉलेज लगभग फैला रहे हैं। इसमें क्या है, शिकार कौन हो रहा? आप हो रहे हो। शिकार कैसे हो रहे हो, क्या कहानी पे आप फंस रहे हो, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर साउंड वगैरह कम आ रहा हो तो साउंड बढ़ा लो, क्योंकि आपके लिए यूजफुल होगा। हालांकि क्या है कि काउंसलिंग कैसे होना है, डीटी का डेट कब आने वाला है, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या हम ये सब के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। लास्ट ईयर भी आया था और इस पर फिर से लाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत आगे यूजफुल होने वाला है। हालांकि हम लोग अगर शुरुआत करें, देखो आप लोग सबसे पहले कॉलेज में कॉल लगाते तो लोग उनका ये कहना होता कि अरे भाई क्या है कि आप तो मेरे यहाँ सीटें ख़त्म हो रही है, आप तो जल्दी से करा लो। बैक टू बैक कॉल आना शुरू हो जाता है। मान लो किसी भोपाल के जो टॉप कॉलेज पे आता है, नाम कहना सही नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हो, जो भोपाल का टॉप कॉलेज है वहाँ भी कॉल लगाते हो, उनके एक कैंपस में पाँच पाँच कॉलेज हैं। अब क्या करते हैं, वो कॉल तो लगा लेते हैं, और क्या है कि इस कॉल के जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस में आप कैसे फंस जा रहे हो ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो जैसे मान लो आपने कॉल लगाया, उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ बिल्कुल, तो सर मुझे मेन कैंपस मिलेंगे क्या? सामने से आता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मिल रहा, मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो लोग लिंक सेंड करते हैं, या लिंक सेंड करने के साथ साथ कोई जिसके जैसे ही प्रोसेस है, कोई अकाउंट नंबर सेंड करता है कॉलेज का कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या सही में आप सेफ और सिक्योर होते जा रहे हो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में? अगर ये बिल्कुल गलतफहमी आपके अंदर घुसा है तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनो, कहीं से भी नहीं। क्योंकि जब तक डीटी का डेट नहीं आएगा, आप खुद सोचो जहाँ की जो काउंसलिंग होती है, चाहे वो कॉलेज 20,000 पर ईयर वाला है या वो कॉलेज 1.5 लाख पर ईयर वाला भी, कोई से भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज या किसी प्राइवेट कॉलेज की खराब कॉलेज है, मतलब कॉलेज कोई से भी हो, वहाँ पर क्या है कि एडमिशन यहाँ पर तभी होता है जब आप डीटी काउंसलिंग के द्वारा रजिस्टर्ड होते हो। मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन जिसके अंदर में आता है, उनके द्वारा काउंसलिंग कराया जाता है। मतलब किसी कॉलेज के हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब कॉलेज वाले अगर कहे कि हाँ आपको सीट दे रहे हैं और अब सीटें खत्म, कुछ है ही नहीं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है ना, वो रजिस्ट्रेशन खुद के पोर्टल पर कर रहे हैं। वो मतलब खुद आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, वो पैसा ले लेंगे, और आपका क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग वो खुद से करेंगे, जो कि चॉइस फिलिंग डेट अभी तक आया ही नहीं है। अब सोचिए जब चॉइस फिलिंग का डेट नहीं आया, उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप तो फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता है JEE का डेट फिर से आया है, आपके मार्क्स भी सही हैं, या हो सकता है जो कैंपस आपको देने वाले हो उस कैंपस से अच्छा आप डिजर्व कर रहे होंगे। क्योंकि अगर वो काउंसलिंग कॉलेज वाला करेगा तो सीधी सी बात है वो कॉलेज खुद का ही कॉलेज उसमें चॉइस करेगा, क्योंकि वो कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि कोई बच्चा उनके पास अगर आया है तो हम किसी और कॉलेज को चॉइस कर दे। लेकिन अगर आप खुद से चॉइस करते हो, अगर वो चॉइस आप खुद से करोगे, तो वहाँ बेनिफिट आपको है कि आप मल्टीपल कॉलेज को चॉइस कर सकते हो, आप बड़े कॉलेज को चॉइस कर सकते हो, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज को भी उसमें डाल सकते हो, चार्ज तो लगता नहीं है, है ना। 100 चॉइस फिलिंग मिलते हैं, 100 कॉलेज चॉइस कर सकते हो, लेकिन तो फिर आपका टाइम, आपका डॉक्यूमेंट, आपका पैसा, आपका लाइफ। और अगर राज कौन कर रहा है, कोई एक टेलीकॉलर वाले, कहीं से भी याद रखना कि अभी किसी भी कॉलेज में एक सीटें भी नहीं भरी हैं, वो सीटें तब भरेंगी जब DTE का डेट आएगा। और DTE के डेट के बाद वो कब भरती हैं, DTE में जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं पहले सीट उसी को दिया जाता है। तो चूँकि आपके 50% हो या 80% हो, आप सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन हम करा लिए हैं, चाहे वो फार्मेसी से हो आप, या चाहे MBA से हो, चाहे आप GNM से हो, चाहे आप BTech से, BCA, BBA, जितने भी कोर्सेज होते हैं, ये हर कोर्स पर लागू होता है, है ना। ये उनका उनका उनके द्वारा बनाया हुआ भ्रम जाल, या उनके द्वारा बनाया गया मार्केटिंग स्किल ऐसे हैं जो उन्होंने डेवलप कराया है कि हाँ बच्चों को डराओ, डराओ कैसे कि भाई सीटें नहीं हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अरे ख़त्म कहाँ, आप तो मेरे से कॉन्फ्रेंस कराओ ना, मैं तो नंबर दे के रखता हूँ। आप कॉन्फ्रेंस कराओ उस फैकल्टी को, उस टीचर को, वो जो कॉलेज वाले हैं, अगर वो मेरे सामने एक लाइन बोल दिए, आप तो बस सुनना कि कौन सी सीटें जो अभी तक ख़त्म हो गई है। ओनली अगर किसी कॉलेज के पास अगर मैनेजमेंट कोटा का सीट होता है, IPS कोटा का सीट होता है, तो वो सीट वो भर सकते हैं। लेकिन वो सीट भी वो तब भरेंगे जब DTE के काउंसलिंग आएगी, जब डेट आएगा। और वो कब आने वाली है, क्योंकि अभी JEE के एग्ज़ाम होंगे, फिर JEE एडवांस होगा,
क्योंकि आपको पता है 2.5 लाख जो जिसके रैंक होते हैं उस रैंक तक वाले को मौका मिल दिया जाता है किसमें, जेई एडवांस के लिए। अब जेई एडवांस में जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर पाते आईआईटी के लिए तो फिर से तो उनको काउंसलिंग करना होता है। तो भाई किसी का रैंक अगर 2 लाख 2.5 लाख है उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जब तक जेई एडवांस नहीं होता है तब तक आपको डेट नहीं मिलने वाला है। और बात आती है फार्मेसी वालों की, तो फार्मेसी वाले के लिए भी मैं तो रूल आप अच्छे से जान लो कि 12वीं का रिजल्ट अभी बहुत जगह का नहीं आया है। जब 12वीं आप खुद सोचो भाई, अगर इससे बिहार में रिजल्ट आया है 12वीं के और कहीं पे नहीं आया, एक आध जगह पे और आना शुरू हो गया है, तो क्या और जगह के जो कॉलेज के बच्चे हैं या जो भी 12वीं की इस बार पास किए हैं तो क्या वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे? उनका साल खराब हो जाएगा जब सीटें ही सब जगह खत्म हो रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? अभी एमपी में रिजल्ट नहीं आया, मतलब क्या एमपी में इतने सारे बच्चे हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो कि 12वीं के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और कॉलेज वाले अभी से बोलने लगे कि नहीं सीटें खत्म हो रही है। भाई जब 12वीं का रिजल्ट ही नहीं आया, आपको पता ही नहीं है कि वो 45% आ रहा है या 60% आ रहा है, तब सीट कैसे अलॉट कर रहे हो? और सीट अलॉट करना तो आपके अंदर की बात है नहीं है, सीट अलॉट कौन करता है? सरकार करती है, सरकार की संस्था करती है, DTE करती है। तो ये क्या है ना, बेवकूफ़ आप मत बनो, और जो बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके बात पर ध्यान भी मत दो। अब ध्यान नहीं देंगे खुद ब खुद हो जाएगा। और खास करके पेरेंट्स से हम ये कहना चाहेंगे, देखो पेरेंट्स लोग क्या है कि थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको समझाने वाले, देखो देखो ऐसा नहीं है आपके बारे में, ऐसा कुछ मेरे सोच नहीं है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। देखिए तो क्या है ना, उस टाइप से टेक्निकल कुछ बात करते जो कि शायद आपके लाइफ में इतने सारे काम धाम है तो आप नहीं सुनना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है सही में डेट खत्म हो रही है। आप तो किसी भी कॉलेज को ले लो, अब हर कॉलेज के पास चार चार कॉलेज है, 5-5 कॉलेज है, तो क्या है मेन के नाम पर आपको बुलाते हैं, देते हैं 2nd, 3rd, 4th। आप तो क्या है किसी भी कॉलेज का जो पोर्टल है ना उस नीचे रिव्यू में पढ़ लेना, कोई जानने वाला है उनसे बात कर लेना। क्या है कि ये लोग का यही जाल है, यही तरीका है लोगों को मेन के नाम पे बुला के, क्योंकि अगर मेन अच्छा है तो चारों अच्छा नहीं हो सकता, आपको पता है। मेन अच्छा है तो तीनों कॉलेज अच्छे नहीं हो सकते, दोनों अच्छे नहीं हो सकते, कहाँ नहीं हो सकता भाई। मेन जब अच्छा है, ऐसा अगर होता तो मान लो कि अगर जो टॉप कॉलेज अपने प्राइवेट कॉलेज अपने है भोपाल में है ना, या कहीं के भी गलगुटिया के ही मान लो या JSS के मान लो, कहीं से भी है ना, कोई टॉप कॉलेज अगर अच्छा है तो उसके तो 10 कॉलेज 50 कॉलेज होते हैं कि भाई जब एक कॉलेज तो नाम हो ही गया है तो भाई 50 खोल दो, प्राइवेट तो है ही वो, तो क्या 50 भर जाता है? नहीं भरता है, क्योंकि मेन ही मेन है ना, और मेन तो उनका खुद से भर जाता है ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा। तो आपको जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल अगर कुछ भी ऐसे क्यूरी हो तो आप मुझे कॉमेंट कर लेना, कॉल तो लगा ही सकते हो है ना, व्हाट्सएप कर लो या इंस्टा पर मैसेज कर लो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर रिप्लाई हो जाता है, लेकिन फंसना आपको नहीं है। Thank you so much.